हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज। अभी आरपीएफ कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ है 16 फरवरी का। बात करते हैं कैसा एग्जाम, कितने अटेम्प्ट्स दिए आप लोगों ने, कितने क्वेश्चन किए? मैंने 97 करे। 97। आपने कितने? 102। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? करंट से कुछ था क्या? हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन था? क्या था? संविधान आ रहा था। संविधान में क्या आर्टिकल के बारे में पूछा? आर्टिकल दो आर्टिकल के बारे में थे और जम्मू कश्मीर के बारे में था। क्वेश्चन क्या था? जम्मू कश्मीर कौन से विशेष दर्जा दिया, कौन से आर्टिकल से? और क्या था उसके बारे में? और क्या था? और गांधी इरविन का समझौता पूछा गया था। अच्छा, ये समझौता उधर एसएससी में भी आया है। और 1900 गांधी जी ने कौन से अधिवेशन किया था, कौन सा 1924 में बेलगांव की थी। क्या बोल रहे हैं? करो या मरो, ये नारा जो था महात्मा का, किसने दिया? सात की सूरत अधिवेशन किसने किया था, ये पूछा गया था। इतिहास काफी आ गया। हाँ, हिस्ट्री काफी पूछी गई लगभग। खेल से क्या थे? खेल से संबंधित थे। इसमें किस खेल से संबंधित? हॉकी बॉल, हॉकी वॉलीबॉल में कुछ थे क्वेश्चन थोड़े बहुत। और क्या था? शीतकालीन में कौन से खेल खेले जाते हैं? अच्छा, ये भी था। और कुछ में जो बॉल होती है ना, उसे कैसे, फिर से बोलिए, मारा जाता है? फिर से बोलिए। गोल्फ की बॉल को कैसे मारा जाता है? मैच का बैट प्रॉफिट ऑन लॉस ज्यादा आ रहा है सर। प्रॉफिट ऑन लॉस परसेंटेज टॉपिक ज्यादा आ रहा है। साधारण ब्याज से भी आए थे कुछ क्वेश्चन। क्या था साधारण ब्याज क्वेश्चन? क्या था? मिश्रधन वगैरह पूछ रहे थे साधारण ब्याज में। अब क्वेश्चन संख्या तो नहीं पता है, भूल गए। साधारण ब्याज पूछी थी, उसकी समय था 5 वर्ष और दर थी 12%। और चक्रवृद्धि ब्याज में भी एक 2 वर्ष के लिए पूछा था, जिसकी दर थी 10%। अच्छा, जियोग्राफी से कुछ आया क्या? जियोग्राफी से वन्यजीव पूछा गया। फिर से बोलिए। चंद्र प्रभाव वन्यजीव अभ्यारण पूछा गया था, कहाँ पर है इससे? और क्या था? और एक दो तीन ऐसे याद नहीं है। अड़ोस पड़ोस देश के बारे में भी था कुछ? नहीं, इकोनॉमिक से था। इकोनॉमिक से कुछ क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था। क्या था वो? अब ये याद नहीं, ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से था। अच्छा, जनरल पॉलिटी से कहीं राज्य की राजधानी? नहीं। क्या था जियोग्राफी वाला, क्या क्वेश्चन था? ये सर ये था कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है जो पहाड़ों से निकलती है। ऐसी तो बहुत सारी नदियां, लेकिन उसमें ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन थे उसमें कुछ, एक गंडक था, एक कावेरी, एक कोसी और एक नहीं याद है सर, एक नहीं याद है, बस तीन ही याद है मेरे को। सोन भी थी। सोन, हाँ ऐसी कुछ होगा सर। वो क्वेश्चन ये था, 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन था? स्वास्थ्य मंत्री कौन था? ये तो बड़ा कठिन सवाल है। और क्या सर उसमें ऑप्शन दिए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और क्या कहते हैं राजकुमारी अमृता कौर और एक कोई मोमडन थे उनका था और एक और था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, हाँ एक और क्वेश्चन बता रहे हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पॉलिटी से कुछ और था? पॉलिटी से नहीं, पार्टी से कुछ। साइंस में कोई क्वेश्चन था? साइंस में क्या क्वेश्चन? तीन चार थे, क्वेश्चन थे। क्या थे किसी को याद नहीं है? ध्यान नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किससे था? फिजिक्स से था। बायो से भी थे एक दो क्वेश्चन, चार पांच क्वेश्चन होंगे कुल मिलाकर सर। अच्छा, नंबर सिस्टम से क्या आया क्वेश्चन? आया क्या नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम, हाँ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी थी। अरे 12 से भाग करने के लिए तो आया था क्या? अब वो याद नहीं है। 12 से भाग देने के लिए दी गई संख्या उसमें जाएगा कि नहीं, कौन संख्या जाएगा, ये पूछा गया था। ऐसे पूछा था किसी संख्या में 9, जैसे संख्या दे रखी थी उसमें, कैसे संख्या में 9 से भाग देने पर क्या शेष फल बचेगा? और एक एक क्वेश्चन था, एक संख्या का एलसीएम और एचसीएफ दिया था, उनका गुणनफल पूछा था। गुणनफल के लिए हम एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कर देते हैं, वो गुणनफल। एक संख्या आई थी उससे पूछा था कि 9 से पूर्णतः कौन सी विभाजित होगी, एक संख्या ये आई थी। मैं ट्रेन से भी आए थे। एक ये भी था कि 12 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त होगी, चार ऑप्शन थे। ट्रेन से थे दो क्वेश्चन, ट्रेन से समय और दूरी का। हाँ, वही टाइम। क्या था? ट्रेन की लंबाई पूछी गई थी, लंबाई पूछी थी और दूसरे में उसके प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी थी। डेसिमल फ्रिक्शन से भी था? नहीं, एक क्वेश्चन था। नहीं, उससे नहीं था, उससे थे ये वो, अरे कौन सा फॉर्मूला? परसेंटेज से था, परसेंटेज से, परसेंटेज से काफी क्वेश्चन थे, सबसे ज्यादा एवरेज से भी थे। कितने क्वेश्चन होंगे परसेंटेज से? तकरीबन से करीब 3 क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन काफी मायने रखते हैं। और 2-4 मेंसुरेशन से 3-4 क्या क्वेश्चन था मेंसुरेशन का, याद है किसी को? आयत वगैरह पूछा, आयत वगैरह की वो विकल्प वगैरह दिए गए थे, वो पूछे गए थे, पर विकल्प पूछे थे, वित्त की पर्ची थी।
प्रॉफिट लॉस से पूछे थे दो तीन क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस से तो ये थे जैसे कोई वस्तु कितने रुपए में खरीदी, कोई वस्तु कितने रुपए में खरीदी और उसको इतने में बेचा गया तो कितने परसेंट का लाभ होगा, ऐसे प्रॉफिट लॉस दोनों पूछे थे। रेशियो प्रोपोर्शन से था क्या? रेशियो दो क्वेश्चन थे, क्या थे क्वेश्चन याद है? वो पैसे में डिफिकल्टी थी, एक दिया था 6:7 और उसमें पैसे दिए थे कि इसका 1:1 है दूसरे का दिया था, तो उसका कुल मूल्य पूछा था दोनों का क्या होगा। ग्राफ से करीब दो तीन क्वेश्चन आए हैं, दो तीन से किस तरह के थे, किस तरह के थे? ऐसे ही थे, बड़े बड़े ग्राफ थे उसमें करके सबकी आवाज इंजीनियरिंग में बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं भाषा पे आधारित, उसको पढ़ के जवाब देना है। करीब दो क्वेश्चन हमारे में आए थे, क्या थे किस तरह से थे कुछ बताएंगे? जैसे हिंदी में नहीं होता है गद्यांश पद्यांश, उसी तरह से पढ़ने उसके फिर आंसर देना। अच्छा, ये तो एक अलग तरह का, उसमें से क्वेश्चन देखना था, पैसे टाइम में पहले ऊपर दे रखा था फिर उसमें नीचे क्वेश्चन, उसमें ज्यादा टाइम लगा आप लोग। और वो रेखा वाला क्वेश्चन आए हैं, दो क्वेश्चन उससे आए थे, रेखा गिननी है कितनी रेखाएं हैं, और एक त्रिभुज भी आया था, त्रिभुज गिनने थे उसमें। एक में बरग भी आया था, बरग गिनने थे, बरग भी गिनने थे, एक में रेखाएं गिननी थी, रेखाएं गिनने को दिया था। और जजमेंट से भी था, जजमेंट मतलब न्याय निगमन से। जी ठीक, दो क्वेश्चन दो थे, क्या था वो क्वेश्चन? सीटिंग अरेंजमेंट भी थे उसमें, क्वेश्चन कुछ सारे करीब दो से तीन क्वेश्चन आए थे सीटिंग अरेंजमेंट। क्या किस टाइप का था वो? उसमें ये है कि दो पंक्तियां हैं उसमें से समांतर चार चार बैठे हैं एक दूसरे के मुंह की तरफ मुंह करके, तो ये इसके दाएं बैठा ये ऐसे बोल रहा था। नॉन वर्बल से भी आया कुछ? नॉन वर्बल से एक आकृति आई थी पूरी करने के लिए बस, कोडिंग डिकोडिंग भी आया था, जल 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 में ये कैसा देखा गया, जल प्रतिबिंब कैसे देखेगा, एक दर्पण वाला भी दर्पण एक था क्वेश्चन, नहीं दो थे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन भी था एक दर्पण से भी था, बाट में पूछी थी एक इसमें। कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन होंगे? तीन क्वेश्चन, तीन से चार क्वेश्चन आए थे। क्या क्वेश्चन थे वो सर? ऐसे ही थे कि ABCD वगैरह देते हैं तो उसका ऑप्शन से देखना है कैसे करना है सर। रीजनिंग का सेम पैटर्न ऐसा था, आरपीएफ एसआई का ना सेम उसी के जैसा था, कॉन्स्टेबल का एसआई का जो था वो ऐसा ही सेम पैटर्न था जी। हॉकी से एक आया था, हॉकी बेसबॉल से आया था सर। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, कौन करता है, मतलब शपथ कौन दिलाता है या नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन दिलाता है? और क्या रहा? और सर याद नहीं आ रहा है, बहुत कुछ था। अच्छा, सबसे ज्यादा टाइम आपको किस में लगा? सबसे ज्यादा सर रीजनिंग में टाइम लगा सर, पढ़ नहीं पा रहे थे क्वेश्चन, बिना पढ़े आंसर दे पा रहे थे सर। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे सर कथन निष्कर्ष से भी थे और पढ़ नहीं पा रहे थे पूरा, उसमें ही ज्यादा टाइम। काफी लंबे थे? हाँ, लंबे थे सर, पूरी स्क्रीन भर जा रही थी सर, पूरी स्क्रीन भर जा रही थी। करीब दो से तीन क्वेश्चन तो ऐसे थे गद्यांश पद्यांश से, जैसे हिंदी में नहीं आता सर उसी में से पढ़ के पूरा जवाब देना है। यही कहाँ का हमला हुआ था सर, वहाँ का एक पढ़ के कि वहाँ पे कितने जानवर खत्म हुए थे या नहीं, ये कथन सत्य है या नहीं, ऐसा था सर कुछ। सर इंटरेस्ट से भी था? हाँ इंटरेस्ट से था। कितने क्वेश्चन होंगे इंटरेस्ट? करीब दो से तीन क्वेश्चन थे सर। क्या था? एक SI पे आया था और एक CI पे आया था। पूछ रहा था साधारण ब्याज ही पूछा था केवल, दो वर्ष का साधारण थी, 13% था उसका कुछ दर, 13% दर थी, और कोई संख्या थी सर, संख्या नहीं याद रही है। और दो पर एक SI दिया था उसमें, मतलब प्रिंसिपल पूछा था। क्या था क्वेश्चन, थोड़ा डिटेल बताएंगे? नॉर्मल सर नंबर दिए थे और ईयर दी थी उसमें चार, और SI दिया था, प्रिंसिपल निकालना था। अच्छा। साइंस में कुछ याद आया किसी को कि क्वेश्चन क्या थे साइंस में? सर क्वेश्चन थे लेकिन याद नहीं है सर, क्वेश्चन थे साइंस से करीब दो से तीन क्वेश्चन थे। एक रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन आया था, मतलब किरण इधर मुड़ जाती है, मतलब ऐसे आया था एक। ये फिजिक्स से रिलेटेड आ गया। एक से गुरुत्वाकर्षण से था कुछ? घर्षण से आया था, फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन से आया था। क्या था वो? मतलब बिना फ्रिक्शन के हम नहीं चल सकते ना, ऐसे करके आया था। अच्छा, इसमें पूछा गया था सर पृथ्वी के बारे में कुछ पूछा था घर्षण में कि किस पे ज्यादा होता है, ये क्लियर नहीं सर याद है लेकिन कुछ पूछा था सर। ब्लड रिलेशन में क्या था सर? दो क्वेश्चन थे उसमें से, अब पूरी भाषा तो नहीं बता सकता हूँ सर, दो क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन से। और भी बता रहे थे अभी आप क्वेश्चन? और ये रीजनिंग में वो आए थे सर कथन निष्कर्ष में, दो से तीन क्वेश्चन आए थे ऐसे लगाते ना, ये किससे बड़ा है, AB से बड़ा है, नहीं वो खोल देते हैं, क्या बोलते हैं सर उसको, जैसे बड़ा और छोटा उसके बराबर, क्या क्या इनइक्वालिटी वाले थे। अच्छा, इनइक्वालिटी वाले। जी जी। तो
तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का फर्स्ट ईयर का किस तरह के क्वेश्चन आए आपने देखा? हमने देखा कि जो करंट के क्वेश्चन हैं वो नहीं आ रहे हैं, और संविधान, इतिहास, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। तो अब कल फिर मिलेंगे, बताएंगे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं सन्मय प्रकाश, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ के लिए।